नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज मेरे पास में एक वीडियो भेजा गया जिसमें कि खान सर हैं, कोई खान GS करके उनका YouTube चैनल है और वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से मोटेरा स्टेडियम का जो नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, वो उसमें बता रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, जो कि झूठ है। अब इसकी नाम बदल के सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। मैंने वो वीडियो देखा, इसमें केवल यही बात नहीं और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद या तो उनसे छूट गई हैं, हो सकता है कि वो किसी तेजी में रहे होंगे, उन्होंने उसकी पूरी जानकारी नहीं ली होगी। वैसे आधा वीडियो स्किप करने के बाद यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो वो वहां पर बता रहे हैं कि उनको हैशटैग चलाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हैशटैग चलाने के लिए ही उस वीडियो को बनाने वाले थे, लेकिन क्योंकि मोदी के विरोध में और क्योंकि अंबानी अडानी के विरोध में एक माहौल भी बना हुआ है, तो उससे पहले एक छोटी सी भूमिका उन्होंने बनाने की कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भूमिका बनाने के फेर में कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ गए हैं और कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। तो कई बार ऐसा जल्दबाजी में हो जाता है, जैसे कि अभी जल्दबाजी में चिड़ियाघर के भालू ने एक ट्वीट कर दिया और उसने शर्मा शर्मी में मोदी जी का औजार ही मांग लिया। उसने जो ट्वीट किया है उसमें आर लिख करके औजार मांग लिया कि मोदी औजार दो, आर औजार दो। तो जल्दबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है कि खतनाधारी लोग औजार ही मांग लेते हैं। पर खैर, ऐसा जल्दबाजी में भी हो जाता है कई बार, कुछ लोग होते हैं जो इंटेंशनली मांग लेते हैं, पर वो शर्मा शर्मी मांगते हैं इसलिए उसके सामने कुछ और लगा देते हैं, बीच में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं या विस्मय सूचक लगा देते हैं। तो अब हमें नहीं पता कि भाई ये चिड़ियाघर के भालू की इंटरनली इंटेंशन क्या है। अब हम सबसे पहले पकड़ते हैं पहले पॉइंट को। पहली तो बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे स्टेडियम हैं। इस वजह से यहाँ पर खान सर ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, जिसमें कि उन्होंने कह दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था और उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये मोटेरा स्टेडियम को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम तक इस बात को सीमित कर दिया। दोस्तों, इसमें बहुत सारे स्टेडियम होंगे, इसमें बहुत सारे ओपन भी होंगे और बहुत सारे इनडोर भी होंगे। इसमें यही नहीं, आने वाले समय में जो कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक गेम होंगे उन तक को करने की भी क्षमता इस स्टेडियम में होगी। अगली बात, उनका एक संशय था कि क्यों नहीं इसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी से जुड़े हुए थे और हॉकी का इसमें एक अलग से स्टेडियम बन रहा है और उसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ही होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि इसमें अंबानी और अडानी के नाम से पवेलियन क्यों बनाए गए हैं। तो दोस्तों, शायद वहां पर खान सर गलती कर रहे हैं या फिर उनको पता नहीं है इस बारे में क्रिकेट के क्या नियम होते हैं। मैं आपको बता दूं कि वानखेड़े स्टेडियम में टाटा पवेलियन भी है, जो कि उन्होंने इसी वीडियो में एक सवाल भी उठाया था कि क्यों नहीं अजिम प्रेमजिया टाटा के नाम से इसमें पवेलियन बनाए गए। तो दोस्तों, इसका एक नियम होता है, वो ये होता है कि जो भी उस स्पॉन्सरशिप को लेता है, अर्थात उन क्षेत्रों का जो भी निर्माण कराता है, वो पवेलियन उसी के नाम से हो जाते हैं। वानखेड़े के समय में टाटा ने वो स्पॉन्सरशिप अपने कंधों पर ली होगी, वो क्षेत्र को बनवाया होगा और उनका वहां पर नाम आ गया। यहां पर अंबानी अडानी का नाम आ गया है। जमशेदपुर तो पूरा का पूरा टाटाओं ने ही बसाया हुआ है, वहां पर एक स्टेडियम भी है और वो टाटा के नाम से ही है। अजिम प्रेम जी की बात करता हूं, अजिम प्रेम जी अभी तक का जो हमने इतिहास देखा है उनका, वो कहीं से लेके कहीं तक भी उनकी जो कंपनी है या वो खुद भी इस तरीके के खेल आदि में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और यहां पर खान सर ने ये सच बताया कि वो डोनेट करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो डोनेट करते कहां है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अजिम प्रेम जी की खुद की ही NGO है और वो उसी में ही डोनेट करते हैं और वो पैसा फिर वो अपने हिसाब से ही इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग अपने ही नाम से अपने ही NGO में पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो अक्सर कर टैक्स को बचाने के लिए करते हैं। तो ये डोनेशन वाला जो फेस होता है ये अलग होता है, बल्कि जो पीछे जो टैक्स बचाने का और अपने हिसाब से खर्च करने वाला जो सिस्टम होता है, वो एक बड़ी लंबी कहानी है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। अब इस स्पॉन्सरशिप को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ी धर्मशाला बन रही है जिसमें आप बहुत सारे लोगों के वेलफेयर के लिए कोई काम करने वाले हैं, जहां पर लोग जुटते हैं, इकट्ठा होते हैं, शादी ब्याह होता है या फिर कोई धार्मिक उत्सव होता है। ऐसे समय में कोई भी संस्था अकेली उस पूरी चीज को नहीं बनाती है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि स्पॉन्सर कर देते हैं। स्कूल में भी अक्सर ऐसा हो जाता है कई बार कि आप ये कमरा बनवा दीजिए, इसके सामने हम आपके नाम का पत्थर लगवा देंगे। कोई रूम बनवाता है, कोई हॉल बनवाता है, कोई नल लगवाता है, इस प्रकार से ही होता है।
है। तो ये जो स्टेडियम है ये भी इसी प्रकार से बनते हैं। सबसे बड़ी चीज कि इसमें एक गलत फहमी ये फैलाई जा रही है कि जो GCA है यानी कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो सरकार की बॉडी है, ये पूरी तरीके से झूठ है, फेक है। और क्योंकि एक माहौल बना हुआ है अंबानी अडानी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, तो उसमें लोग ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब इतने बड़े टीचर और इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेकर के बैठे हुए लोग भी इस तरीके के झूठ फैलाते हैं, तो अफसोस होता है। इन भूल का बहुत जल्दी समय रहते सुधार कर लेना चाहिए। मैं सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से उनका सम्मान करता हूं और उस सम्मान को वो कायम रखें। इस वजह से उनको ये चीज मान लेनी चाहिए और सुधार कर लेना चाहिए कि जो GCA है दोस्तों वो पूरी तरीके से प्राइवेट बॉडी है, उसका सरकार से कोई लेना देना होता ही नहीं है और उनके काम इसी प्रकार से पूरे होते हैं। तो GCA के द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया है और एक प्राइवेट बॉडी अपनी चीज का नाम तैमूर रखे, औरंगजेब रखे, या फिर नरेंद्र मोदी रखे, या अमित शाह रखे, या अंकुर आर्य रखे, या खान सर रखे, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी दिक्कत है। इसका नाम नरेंद्र मोदी क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन नरेंद्र मोदी से मिली थी और जब वो GCA के प्रेसिडेंट थे तभी उन्होंने इसकी अवधारणा रख दी थी कि हमें इतना बड़ा ये स्टेडियम बनाना है। अब जो सबसे बड़ा वहम है वो भी मैं आपका मिटा देता हूं लगे हाथ, के क्या कोई भी जीवित व्यक्ति के नाम से किसी स्टेडियम का, किसी इमारत का नाम हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है? तो दोस्तों हो सकता है और होता आया है। सन 1948 में एक क्रिकेट स्टेडियम बना था मुंबई में जिसका नाम था ब्रेबोर्न। वो उस समय के मुंबई के जो गवर्नर थे उनके नाम पर बना था। वानखेड़े स्टेडियम भी एक व्यक्ति के नाम पर बना था और जो उस समय पर जिंदा थे। ठीक इसी तर्ज पर मुंबई में ही DY पाटिल और N चिन्ना स्वामी स्टेडियम इसी तर्ज पर बने थे, यानी कि दोनों लोग जिंदा थे, उन्हीं के नाम पर वो स्टेडियम बने थे। इतना ही नहीं, 2015 में मोहाली में जो PCA स्टेडियम है उसका नाम बदल करके भी वहां के जो प्रेसिडेंट थे IAS बिंद्रा उनके नाम पर कर दिया गया था। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं अपने मन की बात कर दूं, नरेंद्र मोदी जी के नाम से यदि इस प्रकार से कोई स्टेडियम कोई भी प्राइवेट बॉडी बनाती भी है किसी भी प्रकार से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कि भाई आपकी अवधारणा, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो आज पूरा हो गया है, हम इसको आपके नाम से करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को ये नाम सरेंडर कर देना चाहिए और किसी अन्य महान पुरुष के नाम से भी वो इसका नाम करवा सकते हैं। बाकी अगर वो नहीं करवाते तो भाई हमारा और तुम्हारा क्या जाता है? गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो कद है, जो उनका मान है, वो वही लोग जानते हैं। मैंने गुजरातियों से बात जब भी करता हूं तो वो ये कहते हैं कि हम भगवान के बाद में अगर किसी का नाम लेते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं और वहां पर जो उनको प्यार मिलता है वो हम और आप उन रिजल्ट से हर बार जान लेते हैं जो गुजरात से निकल करके आते हैं। 25 साल लगातार से वहां पर जो प्यार उनको मिल रहा है उसमें हम और आप कोई दरार नहीं डाल सकते हैं। इसलिए सारी की सारी बात हमें GCA के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, अंबानी अडानी को फालतू बदनाम नहीं करना चाहिए और मेजर ध्यानचंद जी के नाम से वहां पर स्टेडियम बन रहा है ऑलरेडी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई अपमान नहीं हुआ है बल्कि उनका सम्मान और बढ़ा है। 3000 करोड़ की उनकी लागत की जो स्मारक बना था उसके बाद में इतना बड़ा स्पोर्ट बन रहा है। मैं आशा करता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे से सवाल पूछा था उनको उनका जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।